हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एक्सोस्फीयर, यानी कि अब हम अपनी लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और एक्सोस्फीयर के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से मैं समराइज कर देता हूं। तो पहली हमने जो लेयर पढ़ी थी वो थी ट्रोपोस्फीयर, इसमें हम लोग रह रहे हैं जिस लेयर में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रोपोपॉज, यानी कि हमारा ट्रांजिशन फेज जहां पे टेम्परेचर रुक जाता है। और फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फीयर जहां पे हमारी ओजोन लेयर देखने को मिलती है और टेम्परेचर बढ़ता है। फिर स्ट्रेटोपॉज और स्ट्रेटोपॉज के बाद आता है हमारा मीसोस्फीयर जिसमें हमारा दोबारा से टेम्परेचर कम होता हुआ दिखता है क्योंकि वहां पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मीजोपॉज जिसके बाद हमने पढ़ा थर्मोस्फीयर, यानी कि जहां पे हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स आयंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब हमारी इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जो 400 किलोमीटर से बाहर, यानी 400 किलोमीटर तक हमारा थर्मोस्फीयर होता है। अब इसके बाद हमारी कौन सी लेयर आती है, तो जो ये एक्सोस्फीयर लेयर है ना, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में ज्यादा रिसर्च और डिटेल में तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर अबव द एटमोस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर, यानी कि थर्मोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है वो आती है हमारी एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। इस लेयर में क्या होता है, सो दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल नोन अबाउट इट। तो अब इस लेयर के बारे में थोड़ा कम पता है क्योंकि यहाँ पे रिसर्च ही नहीं हुई है उतनी, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट लेयर है वो ये है, इसके रिगार्डिंग ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है अभी तक, तो उतना उसमें डिटेल में नहीं पता है। उसके बाद आता है हमारा फिर दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड इन दिस लेयर एंड इट्स ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। तो मतलब कम देखने को मिलेगी अगर जितनी अगर हम बाकी लेयर्स की बात करें, यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो इनका कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस से एक मतलब कनेक्शन है, यानी कि हमारे लिए कहीं ना कहीं ये लेयर किसी ना किसी तरीके से काम कर रही है। जैसे ट्रोपोस्फीयर में तो हम लोग रह ही रहे जहां पे सारे पार्टिकल्स, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, मेसोस्फीयर के बाद हमारी जो थर्मोस्फीयर है उसमें आयन पार्टिकल्स है जो रेडियो वेव्स वगैरह ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना। तो लेकिन एक्सोस्फीयर में क्या है कि उतना किसी तरीके का यूज नहीं है क्योंकि क्या है कि एकदम लेयर बाहर हो जाती है, ज्यादातर यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और फिर क्या होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखो, कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है, इसमें ना रुकेगा ना चेंज होगा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब फिर क्या होता है, गर्मी ज्यादा है तो वहां जाना भी थोड़ा मुश्किल है, फिर रॉकेट वॉकेट ही ज्यादातर जाते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है ऑल्दो ऑल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस एंड ज्योग्राफर्स आर कंसर्न्ड विद द फर्स्ट टू लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि मतलब जो हर एक लेयर है कुछ ना कुछ हमारी लाइफ से हमारे लिए एक कनेक्टेड बात है, जो मैंने आपको लोगों को भी बताई थी। तो जो ज्योग्राफर्स वगैरह होते हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उनका काम अगर बात हम सिर्फ लेयर्स की करें तो उनका जो मेन फोकस होता है वो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, यानी स्टार्टिंग की इन दो लेयर्स पर उनका सबसे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि यहीं पर सारी केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, यहीं पे सारा ह्यूमन इंटरफेरेंस, फ्लाइट उड़ रही है और बरसात हो रही है, क्लाइमेट वेदर, वो सारी चीजें बदल रही हैं जो अब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो सारी चीजें यहीं पे हो रही है, मौसम की सारी मेट्रोलॉजी वगैरह, तो हर सब चीज को यहीं पे चेक किया जाता है। इसलिए जो ज्योग्राफर्स होते हैं उनका हमेशा जो मेन टारगेट होता है वो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में डिटेल में वो लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सोस्फीयर के बारे में बताया। दूसरी बात, एक्सोस्फीयर के बारे में आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो वो तो फिर चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्योंकि क्या है कि लेयर्स जो ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर वाली एक्सोस्फीयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डिटेल में होगी तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो या आप डिटेल में पीएचडी वगैरह कर रहे हो तो वहां पे आपको पढ़ने का आएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह होगा तो थोड़ा उसमें रहेगा, बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है आपके लिए अगर आप लोग इसको कवर अप करते हो। और स्कूल स्टूडेंट्स जो है अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी पूरी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ होगी उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो यहीं पे इस चैप्टर का अंत होता है, यहीं पे मैंने इस चैप्टर को कर दिया खत्म, छोटा सा चैप्टर था। अब हम अगली वीडियो से यानी कि नया चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे जिसमें अब हम लोग क्लाइमेट, वेदर, विंड, ये सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में एकदम हम क्रिस्ट तरीके से पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हम लोग रेनफॉल वगैरह ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारी अगली वीडियो में हम उससे शुरुआत करेंगे। तो ये था मेरा टॉपिक, तो आई होप आप लोगों को मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज नहीं करी है तो उसको भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक अवेलेबल है, आप ऑनलाइन अपने लिए बुक ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से साथ ही साथ। तो यही था मेरा टॉपिक, और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।